नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पंछी का जिसका नाम है राजहंस। दोस्तों, राजहंस ये माँ सरस्वती का वाहन और विवेक का प्रतीक माना जाता है। राजहंस को तो मैंने बस अपने फार्म में जब लाया था तो अब मैंने सोचा था कि राजहंस बहुत सुंदर दिखते हैं और मेरे फार्म को इस सुंदरता को ये बढ़ाएंगे, तो मैं बस इसकी सुंदरता के चलते मैं इनको लेके आया था। लेकिन इनका जब मैंने अपने फार्म में लाया तो इनकी गुणों और विशेषताओं को मैंने देखा समझा तो मुझे लगा कि इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। ये एक आदर्श प्राणी है और इनके बारे में जो मैंने सीखा जो देखा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी पहली खासियत जो मुझे लगी वो है इनका खाना पीना। तो दोस्तों, बहुत आदमी बोलते हैं कि ये कीड़े मकोड़े सब कुछ खाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि राजहंस एकदम शाकाहारी पंछी है और ये कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं। ये सिर्फ इनको खाने में हरी सब्जियाँ घास पसंद है और अगर इसको चावल पका के दो तो ये बहुत बढ़िया से खाती है और आपका ये गेहूँ मक्का दर्रा ये सब भी खाती है और ये काफ़ी शांत रहती है। लेकिन अगर बाहर से कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो ये पहचानते नहीं हैं तो ये सिर झुका के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और आपको आगाह करते हैं कि आपके फार्म में कोई आया है। दूसरी विशेषता है दोस्त कि ये जिंदगी भर अपना जोड़ा बना के रखते हैं और इनका जो जोड़ा होता है ज़िंदगी भर के लिए कायम रहता है। वो एक नर और मादा का जो जोड़ा एक प्यार का प्रतीक होता है। ये जीवन भर अपने जोड़े को अलग अलग नहीं होते हैं, साथ में रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो साथ में रहते हैं। अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों बहुत चिल्लाते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जब ये अंडे देती है और ये जब बच्चे देते हैं तो नर जो होता है नर बतख वो बहुत गार्ड करता है अपने मादा बतख का और अपने बच्चों का। तो ये चीज़ हमको सीखना चाहिए कि एक जो पिता का फर्ज कैसे एक हंस निभाता है वो हम इनके जीवन से सीख सकते हैं। इसकी जो खासियत मुझे लगती है ये अपने से जितने भी छोटे छोटे बतख होते हैं जैसे खाकी कैंबल इंडिया रनर जो इनके सामने काफ़ी छोटे लगते हैं, तो मैं पहले डरता था कि कहीं इन पे ये चोट करके इनको घायल तो नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। ये
हमेशा शांत रहते हैं। जब भी मैंने देखा है कि अगर कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो दूसरे किसी बतख को हमला करते हैं, चोंच मारते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होता है। ये काफ़ी शांत टाइप के रहते हैं और उन लोगों का साथ देते हैं। और कभी कभी ये भी देखते हैं कि अगर कभी छोटा बतख कहीं मुश्किल में फंसा है, कहीं दब गया है, उलट गया है, तो ये सामने चल जाते हैं और उन लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं या फिर चिल्लाते हैं। तो ये है कि इसकी जो खासियत लगती है कि मेरी बेटी काफ़ी खेलती है इसके साथ, और मेरी बेटी इनके साथ पूरा दिन भर, इसको छोड़ दो तो वो पूरा दिन भर इनके साथ रह जाएगी। मतलब एक मेरे घर का एक खिलौने टाइप का है मेरी बेटी के लिए ये, और ये उसके साथ बहुत अच्छा से खेलती है और दोनों जन का टाइम अच्छा से पास होता है। और इनके अंडों की अगर हम बात करें तो ये साल में लगभग 1 से 2 बार ही अंडा देती है, और इनके अंडे की क्वांटिटी लगभग 8 से लेके 15-16 तक हो सकती है। इससे ज़्यादा ये अंडे नहीं देती है। और अगर आप इनको अंडों में बैठने देंगे तो ये बैठती भी है और खुद से उसको सेती भी है और बच्चे भी खुद से ही निकालती है। और दोस्तों, अपने बच्चों की देखभाल भी खुद से बहुत अच्छी तरीके से करती है। इंडिया में लगभग ये सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे अब कम देखने को मिलती है। इसकी लगभग इंडिया में 2 प्रजाति है, एक जो पूरा वाइट कलर की दिखती है और दूसरी एक वाइट के साथ ब्लैक, तो दोनों ही काफ़ी सुंदर लगते हैं। आप देख सकते हैं मेरे फार्म में दोनों ही नस्लें हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छी और सुंदर लगती हैं देख। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने बच्चों के लिए अगर खिलौना खरीदते हैं, बहुत सारे महंगे महंगे टॉयज खरीदते हैं, चाइना प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, चाइना गाड़ियां खरीदते हैं, तो एक बार आप अपने, अगर आपके पास फार्म नहीं है तो फिर अपने घर में आप राजहंस को रख सकते हैं। ये भी आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे और आपके बच्चों के साथ ये भी खेलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी राजहंस पालें और अपने घर की और अपने फार्म की सुंदरता को बढ़ाएं। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप रात में, ये देखिए मेरा घर है और यहाँ सामने ही देखिए उधर मेरा फार्म है जहाँ पे मेरे खाकी कैमल रहते हैं, और ये सामने देखिए मेरे राजहंस हैं, और ये इनकी नज़र हमेशा मेरे घर के द्वार की तरफ रहती है और ये देखते रहते हैं कि रात में कोई या फिर किसी टाइम पे कोई आ तो नहीं रहा है कुछ भी। और ये रात भर पहरेदारी करते हैं, तो मान के चलिए ये मेरे घर के और फार्म के सबसे अच्छे गार्ड हैं। तो फ्रेंड्स, अगर राजहंस का जीवन काल आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा और मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।